आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रिश्वत लेकर लोगों के काम कराने की शिकायतें आए दिन सुनने को मिलती हैं। सरकारी कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारी फाइल आगे बढ़ाने या पास कराने बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत ना दे तो उसका काम महीनों अटका रहता है और पीड़ित व्यक्ति विभाग के चक्कर काटता रहता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला तहसील कार्यालय भिंड के व्रत उमरी तहसील कार्यालय में, जहां रीडर के पद पर पदस्थ बाबू अमर सिंह काम कराने के नाम पर पैसे लेते कैमरे में कैद हो गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बाबू अमर सिंह काम कराने आए युवक से अकेले में बात करने बाहर आता है और दोनों में किसी काम को लेकर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद युवक द्वारा बाबू की जेब में रुपए रखवा लिए जाते हैं। बाबू अमर सिंह इतने ईमानदार हैं कि वो रिश्वत का पैसा अपने हाथों में नहीं लेते, इसलिए बाबू ने जेब की तरफ इशारा कर दिया और युवक जेब में पैसे रखकर चला गया। बताया जा रहा है कि बाबू अमर सिंह भले ही कलम चलाने में माहिर ना हो लेकिन रिश्वत लेने में माहिर है और ये कई बार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। बाबू जी अपना रौब दिखाने के लिए गाली गलौज का भी इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसे भ्रष्ट बाबू को किसका संरक्षण प्राप्त है जो बार बार रिश्वत लेने के मामले में भी कार्यवाही से बचता रहता है और इनाम के तौर पर कमाऊ विभाग में पदस्थ किया जाता है।